बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा और अब उनका एक बयान सामने आया, चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। विधानसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ करके वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं किसी इलाके का, कुनकुरी या पत्थल गांव, ये चॉइस भी बता रहे हैं। कुनकुरी या पत्थल गांव क्षेत्र से वो लड़ते आए हैं, जो क्षेत्र तय हो जाए वहां से चुनाव लड़ लेंगे, ये उनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर आदिवासी फेस रहे हैं, जो कांग्रेस में अब आ चुके हैं। कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस का मजबूत होना और बीजेपी के लिए झटका इसको बताया गया, वे अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने इस बारे में उनसे चर्चा की है, सुनवा रहे हैं आपको। नंद कुमार साय जी कांग्रेस प्रवेश कर लिए हैं और लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। सर कैसे लग रहा है आप लोग कांग्रेस अब सरकार के कार्यक्रम में आ रहे हैं, इससे पहले 15 साल भाजपा सरकार के कार्यक्रम में आते थे आप? ठीक कार्यक्रम चल रहा है, आपने सुना भी देखा भी, सभी वर्गों को, सभी नीचे तक जमीन तक, और जो कोटवार हैं, पटेल हैं और दूसरे प्रकार के काम कर रहे हैं, मितानिन हैं, और ये गोठान में कैसे लाभकारी हो सकता है, गोबर की खरीदी, मूत्र की खरीदी, ये सारा कार्यक्रम दिखाई पड़ रहा अच्छा है और आगे चलेगा तो मुझे लगता है इसका और अधिक लाभकारी स्वरूप दिखाई पड़ेगा। सर आप अभी अपने को फिट पा रहे हैं कांग्रेस में, क्योंकि 15 साल तो इससे पहले आप पूरा समय आपका बीजेपी में गुजरा, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बीच जा रहे हैं तो थोड़ा आप अपने आप को फिट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? देखिए ये काम कठिन तो था जी, लेकिन जो परिस्थितियाँ थी उन्हें आपको फिट पा रहे कि नहीं पा रहे हैं? देखिए ये काम कठिन तो था जी, लेकिन जो परिस्थितियाँ थी उसके कारण ऐसा करना पड़ा। सर आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? वो आने वाला समय है, थोड़ा समय है, अभी देखते हैं कहाँ कैसा किया जाता है, चुनाव तो लड़ना है। सर क्योंकि आप बार बार यही कह रहे हैं कि मैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर रहा हूँ या लोगों की समस्याओं का समाधान करा पाऊँ इसलिए मैं आया हूँ, तो एक जनप्रतिनिधि तो बनना पड़ेगा। जी हाँ जी, बिल्कुल बनना पड़ेगा। तो वो कौन सी सीट होगी जिसपे आप फोकस करेंगे? निरंतर तो हम अपने क्षेत्र में ही लड़ते रहे हैं। कौन से क्षेत्र? हमारा जो तपकरा था पहले, या कुनकुरी है, या पत्थल गांव है, या अगल बगल में क्षेत्र जो है वो रिजर्व सीट है सारे जी, तो वहाँ कोई भी क्षेत्र जो तय हो जाएगी वो लड़ लिया जाएगा। लेकिन अब सर आप कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेंगे तो वो आपको जीत मिलेगी उतने मार्जिन पे? अब देखिए ऐसा है, परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, हम तो अटल जी के समय के जी नेता थे जी, बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और इनको आगे बढ़ाने के लिए ये काम किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ नंद कुमार साय जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ेंगे और बड़ी जीत, बड़े वोटों से जो है जीत भी दर्ज करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या और कैसे होता है। कैमरामैन समर गोस्वामी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।